मनोकामना पूर्ण करने वाली मां काली जी की पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हो गया है। आपको बता दें, पटना सिटी के रानीपुर स्थित प्राचीन काली कला मंदिर में मां काली के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का भीड़ देखने को मिल रहा है। मां काली की प्रतिमा को मंदिर के ठीक बगल में स्थापित किया गया है, जहाँ श्रद्धालु दूर दूर से माँ के दर्शन करने आ रहे हैं। काली पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि माँ काली की प्रतिमा को हर साल धूमधाम के साथ मनाया जाता है और यहाँ पर बिठाया भी जाता है, जहाँ माँ काली की भव्य रूप से हवन व आरती किया जाता है। माँ की आराधना में लोग पूरी तरह लीन हो जाते हैं। जब शाम होने लगती है तो लोगों की भीड़ और भी ज़्यादा उमड़ पड़ती है। लोग जय माँ काली जय माँ काली के जयकारे लगाते रहते हैं। आपको बता दें, यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि जो लोग सच्चे मन से माँ काली से मांगते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। निधि सिंह के साथ पटना सिटी से न्यूज़ क्राइम 24 की रिपोर्ट। इस साल का किस तरह का माहौल नजर आती है? श्री काली पूजा समिति नवयुवक संघ बहुत धूमधाम से मनाता है और 150 वर्ष पहले बहुत पुराने जमाने से माँ काली का प्रतिमा बैठते आ रही है। हम पूरे गांव मिलकर सहयोग करके पूरे धूमधाम से लाखों की भीड़ रोज माँ की पूजा होती है और बाजा मंदरा और झड़खन के बैंड हाथी उठ सब के साथ माँ की शोभा यात्रा रानीपुर होते हुए चौक राजपथ होते हुए बदरघाट पूरे शान बान से और लाखों के भीड़ में माँ की प्रतिमा स्थान बदरघाट करेगी। यहाँ पे व्यवस्था एक नीचे सब गांव वाले मिलके मतलब नारियल फोड़ने के अलग व्यवस्था है, पूजा करने की अलग, माँ के चुनरी चढ़ाने के लिए अलग व्यवस्था, जो भी सब दान बांध देना उसके लिए काउंटर बना है, और कोई खो उ जाता है तो वहाँ पे यहाँ पे अनुसूल वगैरह होता है। हाँ, कि पूरा बिहार से और बिहार से लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी की जाती है और हमारे समिति में जितना भी लोग है भव्य रूप से इनका स्वागत करता है और हम लोग पूरे बिहार के लोग मिलके इनको बैठाते हैं, बैठा के दशमी के रोज विसर्जन की ओर जाते हैं। हाँ, पर जो है ना, यहाँ से बरसों से एक बात देखते चले आ रहे हैं हम लोग कि यहाँ का विशेषता यह है कि यहाँ पर अगर आके आप किसी प्रकार का कोई मन्नत मांगते हैं तो आपका मन्नत अवश्य पूरा हो जाता है। इसी के लेकर श्रद्धालु यहाँ लाखों की संख्या में आने लगते हैं सप्तमी से, और अदर डे भी यहाँ पर लोग अधिक मात्रा में पूजा करते रहते हैं, आते रहते हैं, पर मुख्य रूप से दशहरा में ही लोगों का आगमन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ सप्तमी का पूजा हो चुका है, अष्टमी का पूजा है, जो कि माता काली का अष्टमी का पूजा ही शुद्ध और शुभ माना जाता है माता काली के लिए, और नवमी के दिन यहाँ पर हवन वगैरह होता है रात में, दसवीं के दिन माँ काली का भंडारा चालू हो जाता है 3 बजे से। भंडारा का प्रसाद का एक खासियत है कि अगर आप भंडारा का प्रसाद खाते हैं तो बहुत सारा रोगों से बच जाते हैं, ऐसा मान्यता है। जो यहाँ के पुजारी गण हैं उन लोग का भी मान्यता है, हम लोग का भी पूर्वज वगैरह का मान्यता है। और देखा जा रहा है कि लगातार भीड़ जो है संख्या बढ़ रही है। जी जी, मन्नत पूरा हो रहा है लोगों का, मन्नत पूरा हो रहा, आ रहे हैं श्रद्धा से, आ रहे हैं। यहाँ होती है हर जगह, इतना व्यवस्था नहीं मिलती पूजा करने का, यहाँ सबको दिया जाता है कि आप अंदर जा सकते हैं, दूर से नहीं, सबको दूर से मिलता है, यहाँ अंदर जाने का दिया जाता है व्यवस्था, लोगों का मन्नत पूरा हो जाता है, लोगों का लोग आते हैं बहुत जगह, आप देख रहे हैं कि दूर से दिए भागे, दूर से दिए पूरा रहता है कि पूजा के लिए बंद।